लेकिन आप ये बताइए आकाश यादव जी, आप जिस तरह के गंभीर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग के पास ही फिर वापस जाते हैं अभिषेक मनु सिंह जी? अभी तो चुनाव आयोग से ही मांग कर रहे हैं ना आप, तो चुनाव आयोग को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और आपका ये कहना है कि आपको विश्वास ही नहीं है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग आपके मुताबिक कठपुतली है बीजेपी की और उनके हाथों में खेल रहा है। अगर ऐसा ही है तो फिर चुनाव आयोग के पास ही आप वापस शिकायत लेकर जा रहे हैं, चुनाव आयोग ही पूरी प्रक्रिया को करा रहा है ना। देखिए, हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई तो हमें बयान करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी होती है, और जनता को हम ये बात सामने रख रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा सरकार, जो तानाशाही सरकार, यही तो आरोप लगाया गया है, यही तो आरोप लगाया गया है कि एक पब्लिक में एक परसेप्शन बनाने की कोशिश लगातार महीनों से की गई कि भारत के सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं, ढह रहे हैं। सिद्धार्थ यादव, यही बात, यही चीज जो है आप लोगों की तरफ से कही गई, लेकिन जो वो बात कह रहे हैं कि जनता के अंदर यह विश्वास कैसे आएगा कि भाई इंस्टीट्यूशन सही फंक्शन कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति की भी बात कही, हमने तो जजों की नियुक्ति को लेकर भी कई सारे विवाद इसके पहले देखे, साथ ही हमने ये भी देखा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लेकर भी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने सवाल उठाए कि इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सिद्धार्थ यादव, जवाब दीजिए। मैं जवाब दे देता हूं। सबसे पहली बात तो जो इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को लेकर के बात है, यही सबसे बड़ा झूठ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा था कि जो व्यवस्था हम बना रहे हैं वो एक इंटरिम व्यवस्था है, जब तक पार्लियामेंट कोई परमानेंट स्थायी व्यवस्था नहीं बना देती। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार लोकतांत्रिक व्यवस्था इस देश में इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने की बनाई, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी शामिल किया गया। आपकी सरकार कैसे कर अपॉइंट, प्रधानमंत्री के मन में आता था और वैसे करते थे। हमने पहली बार एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी 3 मेंबर के पैनल में रखा जो इसको अपॉइंट करते हैं। दूसरी बात, इस बार आपने लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, लेकिन तीन उस पर सवाल उठे, उस पर भी सवाल उठे, उसका जवाब भी दे दीजिए आकाश जी, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं जी। बोलिए आकाश जी, क्या सवाल उठा रहे हैं आकाश जी, बोलिए। देखिए, सीजीआई से क्या प्रॉब्लम है? सुप्रीम कोर्ट जो इस देश का चौथा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है, उसका जो ये है सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट। अरे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आकाश जी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? जब आपने 60 साल देश में राज किया तो क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर ने सीजीआई के पैनल में सीजीआई को रखा था? क्यों नहीं रखा था तब? तब तो सीजीआई भी आप लोगों को सरपास करके बना देते थे। इस देश में सीजीआई भी चार चार जजेस को सरपास करके बनाए, कोई कोलिजियम नहीं था, अपने मन से बनाते थे, तब क्यों नहीं रखा? ये बेबुनियाद की बातें हैं। आप देश के इंस्टीट्यूशंस को कमतर करके आकेंगे, देश के इंस्टीट्यूशंस को कमजोर बताएंगे और फिर उनके सामने जाके गिड़गिड़ाएंगे कि हमारी ये एप्लीकेशन ले लो, ये बात सुन लो, टीवी में कुछ और बात, इलेक्शन कमीशन में कुछ और बात। अब मैं अपनी बात को पूरा कर लूं, सुन लीजिए आकाश जी, मैं आपको बीच में टोक नहीं रहा था, अब मैं अपनी बात को पूरा कर लूं। देश में चुनाव दो जगह पे लड़ा गया, एक तो ये लड़ रहे थे सोशल मीडिया पर, एक लड़ा जा रहा था धरातल पर। धरातल पे लोग किसान सम्मान निधि को, 25 करोड़ लोग गरीबी से जो बाहर आए, आवास को, बिजली को, इन बातों को देख रहे थे। और ये जो सोशल मीडिया का चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, यही तो थे टूलकिट का चुनाव। टूलकिट में क्या बात निकल करके आई है? फेक अकाउंट्स बनाए गए हैं, फेक आर्टिकल्स लिखे गए, ब्लॉग्स लिखे गए, डेमोग्राफिकली लोगों को प्लेस किया गया जो कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं। सिद्धार्थ, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आकाश जी, सिद्धार्थ को अपनी बात रख लेने दीजिए पूरी। सिद्धार्थ, लेकिन एक बड़ा सवाल ये कि आज से पहले, हम पहले के चुनावों में इससे पहले हम देखते रहे कि कैसे बीजेपी सोशल मीडिया पर जो उनका कैंपेन होता था वो बहुत जोर शोर से चढ़ाती थी और एक तरफा दिखाई देता था सोशल मीडिया पर जो कैंपेन था, क्या इस बार वो बदला और इस वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो सुमेरा जी, बिल्कुल नहीं बदला। भारतीय जनता पार्टी की जो सोशल मीडिया और जो पीपल्स रीच है, अभी कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस उसके दूर दूर तक नहीं है, पर जो बढ़ोतरी आपको इनके पक्ष में दिखी थी उसका कारण ये टूलकिट है। मैं कह रहा हूँ, इसकी जांच होगी तो कई पर्दे हटेंगे, कई लोग जाने वाले। और यही मेरा कुछ देर पहले सवाल भी था आकाश यादव जी से, आकाश यादव जी, अगर ये जो सोशल मीडिया पर चल रहा था कैंपेन, उसके पीछे कोई टूल किट है, तो आपको भी समर्थन करना चाहिए इस बात का कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को अगर कमजोर करने की कोशिश है तो जांच होनी चाहिए, और अगर कोई ऐसी टूल किट है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सजा भी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। जी, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, निष्पक्ष जांच हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया हो, किस तरीके से इसको हाईजैक कर लिया गया है देश में 10 साल में, ये सब देख रहे हैं। मैं प्रवक्ता हूँ, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, तो सोशल मीडिया तो लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, जो पूरी देश की जनता, 140 करोड़ जनता उसको ये करती है। नहीं, लेकिन लेकिन आकाश जी, एक चीज है ना, एक चीज है कि इस पूरे चुनाव में हमने कांग्रेस की तरफ से ये भी देखा
कि विपक्ष जो अपने चुनाव है उसके लड़ने की तैयारी से ज्यादा वो मीडिया से लड़ाई ज्यादा करता नजर आए। हर जगह आप ये क्वेश्चन उठाते हैं उसी प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम ये सवाल आपके सामने डायरेक्टली रख रहे हैं। समीर जी, एक चीज है, एक ऐसा देश जो दुनिया का बड़ा लोकतंत्र है, जहां एक प्रभावी चुनाव आयोग है जिसने सालों साल चुनाव कराए, वहां पर एक तानाशाह जैसा कॉन्सेप्ट भी इस चुनाव के दौरान रखने की कोशिश की गई। और ये जो बात कही जा रही है कि अगर नरेंद्र मोदी जीतते हैं या बीजेपी जीतती है तो आगे देश में चुनाव ही नहीं होंगे, ये भी हमने कई मंचों से विपक्षी दलों को सुना। क्या ये भी उसी टूल किट से प्रभावित विचार आपको लगती है? क्योंकि इंडिया के अंदर, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, ये कह देना कि आने वाले समय में ये लोग चुनाव नहीं कराएंगे, ये हैरान करने वाला बयान नहीं था? क्या ये बेचैनी पैदा करने वाला बयान नहीं था? निश्चित रूप से मुझे लगता है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान विपक्ष की तरफ से आया था। देखिए, बार बार कहा गया विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी अगर जीत जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता में आ जाएगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने इस देश के अंदर संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की है। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट किया है। कैसे पहले चुनाव आयोग के आयोग नियुक्त होते थे ये सबको पता है। प्रधानमंत्री की इसमें कमेटी बनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी बनाओ तो प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई और विपक्ष के नेता को उसमें अधीर रंजन शामिल थे उसके अंदर जब चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई थी। सीबीआई को इंडिपेंडेंट किया गया, ईडी एजेंसी को अधिकार दिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे। मुझे लगता है कि देश लेकिन समीर चौधरी, अधीर रंजन चौधरी ने यह आरोप भी लगाया कि मुझे समय नहीं दिया गया, मुझे बस कुछ घंटों का समय दिया गया, 24 घंटे से भी कम का समय दिया गया और मुझे पूरी एक लिस्ट थमा दी गई। तो ये भी उन्होंने कहा अगर प्रक्रिया को इतना ही पारदर्शी बनाना था तो क्या और समय नहीं उन्हें देना चाहिए था? क्या और बेहतर नहीं हो सकता था यह प्रक्रिया, ताकि बिल्कुल ही किसी भी सवाल से ऊपर रहे पूरी प्रक्रिया? देखिए, रात को उनको 200 लोगों की सूची दे दी गई थी और सुबह 8 लोगों के नाम दे दिए गए थे। अब 8 लोगों के नाम ढूंढने में अगर आपको 24 घंटे पहले दिया जाएगा तो मुझे लगता है इसमें कोई अर्थ नहीं है। सुबह 8 बजे उन्हें 10 लोगों के नाम दे दिए गए थे, 12 बजे मीटिंग थी। और यह भी तय है कि अधीर रंजन चौधरी अगर किसी चाहते तो वो अपना नाम वहां रख सकते थे। बहुमत से फैसला होता है, प्रधानमंत्री ने वहां जिस नाम का निर्णय लिया होगा, अधीर रंजन चौधरी ने बाहर आके उस नाम का जिक्र कर दिया कि इनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। मुझे लगता है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंदर कांग्रेस को भरोसा रखना चाहिए। जिस तरीके से लगातार आरोप लगाते हो फिर पाकिस्तान को कहने का मौका मिलता है। लेकिन एक और बयान आप देख रहे हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल समीर चौगांवकर जी,